देख सकते हो, एक बार टच करने से ऑन हो रहा है और फिर से मैं जैसे दोबारा टच करे ऑफ हो रहा है। हे गाइस वेलकम टू पेंटेक। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक स्मार्ट स्विचिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली होने वाला एक स्मार्ट ऑन ऑफ स्विच, मतलब यहाँ पर दो दो फीचर्स रहेगा, एक तो टच वाला और एक तो रिमोट वाला। मतलब पहले तो आप इसको किसी भी मोबाइल का डिस्प्ले की तरह टच करके किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हो, और दूसरा आया रिमोट की मदद से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और रिमोट कोई भी हो चलेगा, टीवी का रिमोट से भी इसको यूज कर सकते हो। और इसको मैं बनाया भी यूट्यूब का सबसे सिंपल तरीके से, बहुत ही कम से कम मेटेरियल को यूज करके। तो वीडियो साझे बहुत अमेजिंग और काम करने वाले, आप चाहो तो इसको आपके घर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते इसको बनाते कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हम यूज करें बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अमेजिंग एक मॉड्यूल, एक TTP223 एक टच सेंसर मॉड्यूल। और दोस्तों बात होती है एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा एक मॉड्यूल, देख सकते हो मेरा उंगली से भी छोटा है। और ये यहाँ पर इसका ये मेन चिप या IC कह सकते हो TTP223। और यहाँ पर देख सकते हो एक स्टेटस LED है, और उसको प्रोडक्शन करने के लिए एक रजिस्टर है, और इस साइड एक छोटा सा SMD कैपेसिटर है, और ज़्यादा कुछ कंपोनेंट नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो दो जम्पर है, मतलब ए और बी देख सकते हो लिखा है। इस जम्पर को कनेक्ट करके आप अलग अलग मोड पे इसको सेट कर सकते हो, ये अलग अलग चार प्रकार का स्विचिंग ये कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर लगाने के लिए एक जगह दिया है, मतलब यहाँ पर आप कैपेसिटर लगा के इसका सेंसिटिविटी को आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसका आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पर देखते हो सबसे पहले ग्राउंड है, और मिडिल वाला है आउटपुट इनपुट, और ये लास्ट वाला VCC, मतलब ये पॉजिटिव है। और इससे देख सकते हो एक सर्कल के अंदर टच लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर टच होगा। और ये आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में से 15-20 रुपए के अंदर आसन से मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन बाइक लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर सर्किट को बनाते, तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद देख सकते हो ले लिया एक IR रिसीवर, और इसका नंबर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है LFN कुछ लिखा हुआ है। और इसका पिन आउट कुछ इस तरह से है, ये वाला है आउटपुट, और ये मिडिल वाला है ग्राउंड, और ये वाला है VCC यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव को जोड़ दूंगा पॉजिटिव के साथ यानी VCC के साथ, और ग्राउंड को जोड़ दूंगा ग्राउंड के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक रजिस्टर 1 MΩ का, और इसके एक साइड को जोड़ देना है मॉड्यूल का ये वाला पॉइंट के साथ ऊपर का, और रजिस्टर का दूसरे साइड को जोड़ देना है इस IR रिसीवर का आउटपुट पिन के साथ। उसके बाद देख सकते हो ले लिया एक ट्रांजिस्टर BC547, और इसका पिन आउट कुछ इस तरह से होता है, कलेक्टर बेस और इमिटर। तो चलिए अब इसके यहाँ पर जोड़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो तीनों पिन पर मैं यहाँ पर कवर चार्ज दिया ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसका कनेक्टर पिन को जोड़ना है VCC पिन पे यानी पॉजिटिव पे, और इसका बेस पिन को जोड़ना है आउटपुट पे। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक ट्रैक BT136, और ये एक AC कान पे चलने वाला एक स्विचिंग डिवाइस होता है, और इसका पिन आउट कुछ इस तरह होता है T1, T2 और गेट, मतलब टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। तो इसका T1 पिन को जोड़ना है इस ग्राउंड के साथ, और इसका गेट पिन को जोड़ना है इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन के साथ, और ये मिडिल वाला T2 पिन को ऐसे ही खाली छोड़ना है। तो चलिए फटाफट जोड़ देते। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही ध्यान से जोड़ना, देखना कोई पर भी टच ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर AC सप्लाई होगा। और यहाँ पर हो सकता है इस तरह से फाइबर स्लिप चढ़ा देना ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन से, इसका सर्किट डायग्राम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आप इसमें पावर सप्लाई देते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले इस तरह के एक पुराने मोबाइल का चार्जर का सर्किट को, जैसे तो उसको तोड़ के मैंने निकाल लिया। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका इस साइड से AC कनेक्शन आएगा, और इस साइड से DC 5 वोल्ट निकलेगा। तो चलिए इसको जोड़ते। तो देख सकते हो ये साइड ग्राउंड है, और ये साइड पॉजिटिव है, और मिडिल वाला आउटपुट है। तो देख सकते हो कनेक्शन सामने कर दी। तो चलिए अब इसको किसी भी एक प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर पैक कर देते ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब शॉक ना लगे। उससे पहले चलिए इसका आउटपुट को लेने के लिए दो वायर को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का वायर को लेना। तो यहाँ पर एक वायर को जोड़ना है ट्रैक का T1 पिन के साथ, और दूसरे वायर को जोड़ना है ट्रैक का T2 पिन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर फिट करने वाले, आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसका दोनों वायर को बाहर निकालने के लिए दोनों साइड पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से छेद कर लेंगे।
और दोस्तों यहाँ पर एक और बात भूल गया था, यहाँ पर जो ये ए और बी जम्पर देख रहे हो इसको आपस में कनेक्ट करना है, नहीं तो ये एक पुश स्विच की तरह काम करेगा, एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम नहीं करेगा। चलिए इस दोनों को आप शॉर्ट कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ए को शॉर्ट नहीं भी कर सकते हो, बी को कर सकते हो, बी को कंपलसरी करना अगर आप ऑन ऑफ स्विच बना रहे हो तो। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं दोनों के बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिए एक साथ। तो चलो अब इसको पैकिंग कर देते हैं, उसके बाद टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये दो रेड वायर मतलब एसी कनेक्शन देने के लिए 220 एसी, और ये दो बिलाकार ये आउटपुट के लिए मतलब यहाँ पर स्विच की तरह ये यूज़ होगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एसी सप्लाई, मतलब यहाँ पर मोबाइल का चार्जर है तो यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा और इस सर्किट को हमारा पावर देगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लग है हम बोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पर चाहो तो एक ही प्लग के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो अब यह सीधा जाएगा बोर्ड पर। उसके बाद देख सकते हो हमने ले लिया एक LED बल्ब और उसके होल्डर का एक सेट, और ये एक 9 वाट का LED बल्ब है। और यहाँ पर सिंपली इसका कनेक्शन बहुत आसानी, देख सकते हो यहाँ पर किसी भी वायर को बीच में से काट के यहाँ पर स्विच की जगह पर इसको सेट कर देना है सिंपली, बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। देख सकते हो एक वायर पूरा है, एक वायर बीच में काट कर लिया और एक वायर को इस तरह से जोड़ देंगे, मतलब एक नॉर्मल स्विच की तरह इसको जोड़ देना है। तो देख सकते हो ये भी हो गया। अब चलिए सिंपली इसको कनेक्ट कर देते बोर्ड पर। तो यहाँ पर हम इस तरह के बोर्ड में इसको प्लग करने वाले हैं, और इसका ये वाला हिस्सा दूसरे एक बोर्ड पर लगा दूंगा पावर देने के लिए। तो दे दिया, अब चलिए स्विच देते। देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट जलने लगा, ये एक्टिवेट हो गया, देख सकते हो टच करने से ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। अब चलिए इसको भी काट कर देते। देख सकते हो एक बार टच करने से ऑन हो रहा है, और फिर से मैं जैसे दोबारा टच करो ऑफ हो रहा है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अब चलिए रिमोट से भी ऑन चला कर दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आप कोई भी IR रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी रिमोट हो, TV का रिमोट हो, कोई भी रिमोट चलेगा। तो चलिए इसको चलाते हैं। जैसे तो एक बार प्रेस किया ऑन हो गया, और जैसे ही हमें दोबारा प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा इस तरह से, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा 100% एक्यूरेटली। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।